दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन कई बार ये कंस्ट्रक्शन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाता है। कोई इंजीनियर्स के टैलेंट का नमूना होता है तो कोई प्रकृति के द्वारा लोगों को गिफ्टेड होता है। आज की इस वीडियो में दुनिया भर में लोकेटेड ऐसे ही शानदार लोकेशन के बारे में जानेंगे जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नंबर एक पर है फुकेट रूफटॉप पुल। दोस्तों, क्या आप स्विमिंग का शौक रखते हैं? तो जल्दी से अपने बैग पैक कर लीजिए और निकल जाइए थाईलैंड के इस बेहद शानदार पुल में स्विमिंग का मजा लेने के लिए। दोस्तों, फुकेट दुनिया का एक अनोखा शहर है जिसके लगभग सभी घरों के छत में स्विमिंग पूल बना होता है। इन पुल के बीचों बीच ओपन रेस्टोरेंट भी है जहां लोग अपने फेवरेट डिश का आनंद भी ले सकते हैं। यहां जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे जमीन और आसमान के बीच की सारी दूरी खत्म हो गई है। वैसे दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताना। दूसरे नंबर पर है लैंडवाइजर वाइडेक्ट। स्विट्जरलैंड में लोकेटेड इस बेहद शानदार ब्रिज को अलेक्जेंडर एक्टोस नामक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। ये ब्रिज 136 मीटर लंबी और 65 मीटर ऊंची है। इसे 1902 में बनाया गया था और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके पिलर्स को सिर्फ दो क्रेन की मदद से खड़ा किया गया है। इससे पहले दुनिया में कई ऊंची ब्रिजेस आपने देखी होगी, पर इतनी ऊंची ब्रिज में ट्रेन दौड़ते हुए आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इस अमेजिंग आर्किटेक्ट को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। इस अमेजिंग वाइडेक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तीसरे नंबर पर है द डेड सी। डेड सी जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये दुनिया की सबसे सॉल्टी लेक है। इसे डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके खारेपन के कारण यहाँ कोई भी जलीय जीव पनप नहीं पाता। बाकी समुद्र की तुलना में इसका पानी लगभग 8 गुना ज्यादा सॉल्टी है। सॉल्ट की इतनी ज्यादा मात्रा इसमें किसी भी व्यक्ति को डूबने नहीं देता और लोग इसमें आसानी से तैरने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको इस जगह पर एक ना एक बार जरूर जाना चाहिए। चौथे नंबर पर है बॉर्नबी। डेनमार्क में लोकेटेड इस अजीबोगरीब डिजाइन को ऊपर से देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई एलियन का यूएफओ होगा, लेकिन जी नहीं, ये गार्डन सिटी है जिसे 1964 में बनाया गया था। इसे प्राचीन डेनिस गांवों के तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ बस्तियों का डिजाइन सर्कुलर ग्रेड शेप में किया गया है। यहाँ सभी घरों के सामने पर्सनल गार्डन है और सेंटर में एक कॉमन पार्किंग वेन्यू। साथ ही हर बस्ती में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। इस अमेजिंग सिटी के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, आप कौन से शहर में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। पांचवें नंबर पर है मनरोला, इटली। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर यूरोप में लोकेटेड है, पर क्या आप जानते हैं कि यूरोप के गांव भी बेहद ही सुंदर होते हैं? इटली का ये मैनरोला विलेज लिंगुरिया सागर के किनारे और रॉकी हिल पर स्थित है। इस गांव में सभी घर पक्के और रंग बिरंगे हैं। गांव के बीचों बीच एक चर्च भी है जिसके छत से समुद्री लुटेरों पर नजर रखी जाती है। इस गांव को 15वीं शताब्दी में बसाया गया था और इसे यूरोप के सबसे सुंदर गांवों में से गिना जाता है। वैसे दोस्तों, आप कौन से शहर या फिर गांव में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, लेकिन आपको इसे लाइक करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।